हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। अब देखो, प्रत्युष ने क्या किया, सल्फर पाउडर को लिया और उसको हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय द इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। और वो जो कलेक्ट कर रहा है, ही कलेक्टेड द गैस, उससे जो गैस निकल रहा है, इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट As shown in figure below. तो what will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper? तो देखो, अगर उस गैस का एक्शन अगर हम लोग लेके हैं ड्राई लिटमस पेपर पे, क्या इसका असर पड़ेगा और मोस्ट लिटमस पेपर पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि सल्फर पाउडर को जलाते हैं, अगर हीट करते हैं तो क्या होगा। तो सल्फर पाउडर को अगर हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया सल्फर, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन सल्फर पाउडर इज बर्न इन द एयर, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। व्हेन सल्फर इज बर्न इन टू एयर, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब इसका लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पे क्या असर पड़ेगा? तो कोई अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है तो इसका ड्राई लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ता, तो लिख सकते हैं डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर, हैव एनी इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर पे इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। ड्राई लिटमस पेपर पे इसका असर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें कोई भी ये बिहेव नहीं करता उस हिसाब के। लेकिन अगर इसको, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, मोस्ट लिटमस पेपर से अगर करवाएंगे तो मोस्ट लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट लिटमस पेपर से ब्लू में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो, मोस्ट लिटमस पेपर में क्या होता है, मोस्ट लिटमस पेपर टर्न्स मोस्ट लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड बिकॉज इट सो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट लिटमस पेपर में वाटर का मात्रा रहता है, वाटर रहता है, तो ये मिलके क्या होता है, एसिडिक बिहेव करने लगता है, H2SO3 की तरह बिहेव करने लगता है, और ये इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, कोई भी एसिड क्या होता है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से मोस्ट लिटमस पेपर में ऐसा असर दिखेगा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब रिएक्शन जो होगा उसके लिए हम लोग को करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहला तो ये रिएक्शन हुआ, ये तो बैलेंस है, और दूसरा रिएक्शन हुआ SO2+H2O, ये रिएक्शन करोगे तो ये H2SO3 बनेगा, तो ये भी हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, बी नंबर में, ठीक है, ये बी नंबर का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो है ये, इसमें वन और टू, तो ये हो गया, ये वन और ये बी नहीं होगा, ये टू हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।